कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,447 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 52,651 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,57,879 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,294 लोगों की मृत्यु हुई है। जो संक्रमण है उसमें अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखेंगे तो 0 से 20 एज ग्रुप में 14.15% लोग संक्रमित हुए। संक्रमित लोगों में से 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 48.85% व्यक्ति हैं, 48.85%। 41 से 60 वर्ष तक की आयु के 28.43% लोग हैं और 60 साल से अधिक उम्र के लोग जो संक्रमित हुए हैं वैसे लोगों का प्रतिशत कुल संक्रमण में से 8.57% है, 8.57%। कल प्रदेश में 1,22,277 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब प्रदेश में कुल 52,05,57 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। आप जानते हैं कि टेस्टिंग को प्रदेश लगातार एक्सपैंड कर रहा है और एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, ट्रूनेट और सीबीनेट टेस्ट के माध्यम से ये टेस्ट डिफरेंट लैबोरेटरीज में की जा रही है। जो कल आपको जानकारी दी गई थी कि प्रदेश ने 50 लाख टेस्टिंग का सफर तय किया था कल और वो एक मील का पत्थर था, उसके संबंध में जो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला केस मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश में आया था, 2 मार्च को, और उस समय टेस्टिंग के लिए हम सैंपल्स बाहर भेजा करते थे, प्रदेश के बाहर। मार्च के आखिरी सप्ताह से टेस्टिंग प्रदेश में शुरू हुई तो जो पहला जो 1 लाख सैंपल था उसकी जांच 2 माह से भी अधिक समय में हो पाई थी। 6 मई को 1 लाख जांचें हुई थी प्रदेश में। उसके बाद जो 1 लाख जांच अगली 1 लाख जांच हुई वो अगले 16 दिन में हुई, 22 मई को फिर ये अगली 1 लाख जांच हुई, 22 मई को हम 2 लाख पहुंचे। उसके पश्चात फिर हमारी गति बढ़नी शुरू हुई, फिर हमने जहां हमने 16 दिन में 1 लाख टेस्ट किया था मई में, फिर हमने 25 दिन में 3 लाख टेस्ट और किया। 2 लाख से 5 लाख पहुंचने में 16 जून का वक्त लगा, 16 जून को हम 5 लाख टेस्ट पर पहुंचे। फिर अगला 5 लाख हमने 20 दिनों में तय किया, 16 जून के बाद हम 6 जुलाई को 10 लाख पर पहुंच गए और उसके बाद से हमारी गति लगातार बढ़ती रही है। 10 लाख से 20 लाख यानी 10 लाख और एडिशनल टेस्ट हम लोगों ने 22 दिन में किया और 28 जुलाई को हम 20 लाख पहुंचे। फिर उसके पश्चात अगला 10 लाख 20 से 30 लाख होने में केवल 12 दिन का समय लगा और 28 जुलाई के बाद हम 9 अगस्त को हमने 30 लाख का माइलस्टोन अचीव किया और उसके पश्चात अगला 10 लाख हमने केवल 10 दिनों में किया, 30 लाख से 40 लाख हम 9 अगस्त से 19 अगस्त को पहुंच गए और फिर उसके पश्चात जो 10 लाख है 40 लाख से 50 लाख वो केवल 8 दिन में पूरा किया गया। 19 अगस्त को हम 40 लाख पर थे, 27 अगस्त को हम 50 लाख पर आ गए। तो इस तरह से टेस्टिंग लगातार हमारी एक्सपैंड होती रही है, उसकी संख्या बढ़ती रही है और आप जानते हैं कि आज हमने 52 लाख का
आंकड़ा पार किया है और देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी हम प्रतिदिन करते हैं और सबसे अधिक संख्या भी टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश की है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 2733 पूल लगाए गए, जिसमें 254 में पॉजिटिविटी थी और 10-10 सैंपल के 305 पूल लगाए गए जिनमें 29 में पॉजिटिविटी थी। जो कुल हमारे एक्टिव केसेस हैं 52,651, इनका लगभग 50% होम आइसोलेशन में है। 26,270 संक्रमित व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन का विकल्प उन्होंने लिया है और अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। होम आइसोलेशन एक बहुत ही सुविधाजनक विकल्प है लोगों के लिए, लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप होम आइसोलेशन में गए हैं तो आपको होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन भी करना चाहिए। केवल इसलिए कि आपको अस्पताल न जाना पड़े, इसलिए आप होम आइसोलेशन का विकल्प कतई मत चुनिएगा। अगर आप होम आइसोलेशन में गए हैं तो आपके पास अलग कमरा और अलग शौचालय जरूर होना चाहिए, ताकि आप अपने घर के लोगों से पृथक रह सकें, घर के दूसरे लोगों को आप इन्फेक्ट न करें। दूसरी बात कि अगर आप होम आइसोलेशन में गए हैं तो जो दवाओं की बात है वो तो विभाग के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाती है, और अगर किसी वजह से कभी ऐसा है कि आपको अगर दवा आपके पास नहीं पहुंची है तो आपका जो जिले का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसको फोन करिए। ये आपका अधिकार है कि आपको जो होम आइसोलेशन दौरान जो आपको दवाइयां खानी है वो दवाइयां स्वास्थ्य विभाग आपको उपलब्ध करवाए, ये आपका अधिकार है। और आपके जो घर वाले हैं उनके लिए जो प्रोफाइलेक्टिक डोजेस हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या आइवरमेक्टिन हो, वो भी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाए, ये आपका अधिकार है। तो अगर आपको वो दवाइयां नहीं मिली हैं, कोई नहीं आया, तत्काल फोन करिए और फोन करके बुलाइए। अगर फिर भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-181-45 पर आप फोन कर सकते हैं, या जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1076 उस पर आप फोन करके बता सकते हैं। वो दवाइयां आपको उपलब्ध करवाई जाए, ये सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों का दायित्व है। इसके पश्चात आपके पास थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन का विकल्प ले रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। आपको प्रतिदिन 2-3 बार अपना तापमान भी लेना है, और पल्स ऑक्सीमीटर जो है उससे आप उसको उंगली में लगाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को, तो उससे आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो मालूम पड़ता है, उसमें रीडिंग आती है। रीडिंग आएगी तो उससे आप देखेंगे कि 98 आ रहा है, 97 आ रहा है, तो 94 तक ठीक है। अगर 95-96 भी आ रहा है तो भी आप ठीक हैं, लेकिन जैसे ही 94 या उससे नीचे हो तो तत्काल आपको इसका मतलब कि आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता है जहां आपको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सके। तो वैसी स्थिति में आप तत्काल फोन करेंगे अपने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को या इंटीग्रेटेड कोविड एंड कमांड सेंटर को आप फोन करेंगे, और फोन करके आप तत्काल बताएंगे कि मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और आप अस्पताल में भर्ती होंगे। तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो पूरी सावधानी बरतिए और उसका जो उसके प्रोटोकॉल हैं उसका आप कृपया करके पालन करिए। अगर ऑक्सीजन गिरे, सांस फूलने लगे, तत्काल फोन करिए और अस्पताल तुरंत चले जाइए। अस्पताल जाते ही आपको ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। अगर उसी में जब विलंब करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल तो गिर गया है लेकिन आपको शुरू में पता नहीं चलता, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर रखना बहुत जरूरी है, ताकि अगर जैसे ही आपने रीडिंग लिया और वो 94 या उससे नीचे गिर गया है, तत्काल आपको फोन करना चाहिए, फोन करके अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। यह संभव है कि आपका ऑक्सीजन लेवल गिर गया है लेकिन आपकी सांस अभी नहीं फूल रही है और आपको पता नहीं चलेगा, बाद में जब तबीयत खराब हो जाएगी तब फिर आप पहुंचेंगे, तब जटिलताएं आएंगी। इसलिए आपको घर में थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर रखना अनिवार्य है अगर आप होम आइसोलेशन का विकल्प ले रहे हैं। अगर आप उसको नहीं ले सकते हैं तो कृपया करके होम आइसोलेशन में मत रहिए। अस्पताल में 1,51,000 ज्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है, आप अस्पताल आकर रहिए।
आपको थोड़ी असुविधा होगी कि घर में नहीं है, अस्पताल आना पड़ा, लेकिन स्वस्थ होकर 10 दिन में घर जाएंगे। तो होम आइसोलेशन में रहकर उसके प्रोटोकॉल का पूरा पालन करिए, अन्यथा वहां न रहिए। इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2,327 लोग भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं, और सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी में 244 लोग हैं। तो कोविड हेल्प डेस्क कुल मिलाकर के 62,800 के करीब स्थापित हो गए हैं, और जिनसे लगभग 7 लाख लोग लक्षणात्मक लोगों का चिन्हांकन भी किया गया है। तो सावधान रहिए, होम आइसोलेशन में प्रोटोकॉल का पालन करिए, और अन्यथा भी अगर आप स्वस्थ भी हैं तो संक्रमण से बचिए। इसकी कोई वैक्सीन नहीं, कोई उपचार नहीं। अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, फेस कवर से, रुमाल से, दुपट्टे से, मास्क से जब भी सार्वजनिक स्थलों पर जाइए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे तो संक्रमित होने की संभावना अत्यंत कम रहेगी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज COVID-19 की बैठक लोक भवन में ली। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास हो, इस ओर विशेष रूप से जैसा ACS हेल्थ ने आपको बताया है, हर आदमी को जो होम आइसोलेशन में है इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो, हल्का भी बुखार अगर हो, कोई भी सिम्टम्स हो, अनइजीनेस फील हो, तो होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को फोन करना चाहिए और अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। हमें देखने में ये मिला है कि होम आइसोलेशन में यदि आदमी देर करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और फिर उसके बाद फिर दिक्कत होती है और उनको चिकित्सकीय सुविधा देने में जो है विलंब होने से समस्या भी आती है। तो हम अपील करना चाहेंगे हेल्थ विभाग की ओर से, अपनी ओर से भी, कि होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति गए हैं वो खुद अपना मॉनिटर करते रहें, लेकिन कहीं भी जरा भी अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हो तो अस्पताल में जरूर L1 L2 फैसिलिटी में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए, और अगर कहीं गंभीर रूप से अगर बीमारी या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छुपाएं ना, बताएं और तुरंत अपना इलाज करवाएं। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है कि हर हालत में जो है मेडिकल टेस्टिंग 1.5 लाख के आसपास हो। आपको मालूम है कि कल जो है 1.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई थी, आज जो बताया है लगभग 1,22,000 के आसपास है, तो निश्चय ही इसको सस्टेन रूप से 1.5 लाख तक करने का निर्देश दिया है और आगे भी उसको और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। RT-PCR से टेस्टों की संख्या बेहतर करने का निर्देश दिया है और एंटीजन टेस्टिंग हर जनपद में हो और उतनी संख्या में हो, जो लक्ष्य उनका 1,000 या 1,500 का फिक्स किया हुआ है छोटे और बड़े जनपदों का, वो जरूर सुनिश्चित किया जाए। सर्वेलेंस को और बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ जनपदों में सर्वेलेंस में जहां मजबूती से काम नहीं हो रहा है वहां पर कार्रवाई करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कई जनपदों में अच्छा काम सर्वेलेंस का हुआ है और प्राइमरी रूप से जो है जब भी घर में जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं और तुरंत उनकी जो है चेकिंग हो रही है, लेकिन कुछ जनपदों में ये भी रिपोर्ट फील्ड के सर्वेलेंस टीम द्वारा दिया गया है कि लोग अंदर घर में बीमार हैं फिर भी परिवार वाले उनकी बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हम बहुत क्लियर अपील करेंगे कि यदि सर्वे टीम प्रदेश की किसी भी घर पर कहीं भी किसी जिले में जाती है, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हल्का भी बीमार है, तो उसके बारे में जरूर जो है आप सर्वे टीम को बताएं। ये आपके हित में है, आपके परिवार के हित में, परिवार के उस सदस्य के हित में है जो बाद में चलकर कहीं ना कहीं गंभीर रूप धारण करता है और कभी न कभी उसमें जो है गंभीर इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। सर्वे के टाइम ही अगर आप बता देंगे तो चीजों का जो है आगे चलकर उसका समस्या का समाधान जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वेलेंस को और मजबूत करने के साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निरंतर प्रतिदिन उनको कहा है कि उनका निरीक्षण किया जाए और वहां से मॉनिटरिंग की जाए। डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कई जनपदों में जो है 5 या 6 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से 8 या 9 या कुछ जनपदों ने 10 कॉन्टैक्ट प्रति पेशेंट जो है खोज लिया है,
तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी निरंतर सुधार हो रहा है, डोर टू डोर सर्वे में भी सुधार हो रहा है, लेकिन इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो उसमें अगर व्यक्ति जो है रिलक्टेंट है, यदि वो सामने नहीं आना चाह रहा है, तो उनको उनको कन्विंस किया जाए, उनको जो है समझाया जाए, उनसे संवाद किया जाए कि अगर वो अपना सामने अपना इलाज जल्दी कराएंगे तो उनके हित में है, आगे उससे जो है और भी लोगों में फैलने की संभावना फिर कम हो जाएगी संक्रमण की। आज मुख्यमंत्री जी ने जेई और परीक्षा और नीट आदि की परीक्षा के संदर्भ में यह कहा है कि प्रदेश सरकार ने दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराई हैं। 9 अगस्त को जो है बीएड की परीक्षा आयोजित कराई, जिसमें 5 लाख से अधिक जो है कैंडिडेट्स को भाग लेना था और काफी संख्या में कैंडिडेट्स ने भाग लिया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का भी जो है बड़ी संख्या में जो है उनकी परीक्षा की गई है, कहीं भी कोई संक्रमण का जो है खतरा नहीं रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया गया है। एंटर और निकलते टाइम भी निर्देश दिए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाए। अतः जो भी कार्रवाई केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार की संस्थाएं देंगी, एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बारे में जो निर्देश देंगी, प्रदेश सरकार उनका पूरा पालन करेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, जिससे कहीं कोई संक्रमण की बात ना हो और बच्चों का भविष्य भी जो है सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश सरकार में सबसे बड़ी परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, आगे भी प्रदेश सरकार परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए, बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए हर जनपद में इसको अच्छे से कार्य सुनिश्चित कराएगी। मुख्यमंत्री जी ने कोविड के बचाव के संबंध में प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए सरकारी कार्यालयों में अवकाश पर रहने वाले कर्मियों तथा अस्वस्थ कर्मियों को छोड़कर कम से कम 50% जो है उपस्थिति का निर्देश दिया है। उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अधीनस्थ विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि 9:30 बजे तक अनुपस्थित पाए गए अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आज हम लोगों ने भी अपने अपने विभागों का चेकिंग किया है और ये निर्देश दिया है कि वो हर हालत में जो है 9:30 बजे और 10 बजे से पहले अधिकारी टाइम से आए और अपना सरकारी कार्य का निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी ने समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो प्रतिदिन 9 से 10 के बीच में अपनी जो कोविड की बैठक है वो अवश्य सुनिश्चित करें। 10 से 11 के बीच में जिलाधिकारी जो है स्थानीय जो निरीक्षण है, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो अन्य किसी फैसिलिटी का हो, उसका निरीक्षण सुनिश्चित करें। लेकिन 11 से 1 के बीच में पब्लिक के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए, आम जन के लिए, जो भी वहां पर शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता आते हैं, उनके लिए कार्यालय में समय जरूर दें। यही आदेश उन्होंने सीडीओस को, सीएमओस के लिए भी दिया है। यही आदेश उन्होंने जिलों के पुलिस कप्तान यानी जिलों के एसएसपी और एसपी के लिए भी दिया है कि 11 से 1 के बीच में ये जो है कार्यालय पर उपलब्ध रहकर लोगों की जन समस्याओं को सुने। तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह की प्रक्रिया को जो है अपनाया जाए और जिला मजिस्ट्रेट अपने जिलों में ये कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। उप जिलाधिकारी भी उपस्थिति इंश्योर करें, तहसीलदार भी उपस्थिति इंश्योर करें, बीडीओस भी उपस्थिति इंश्योर करें। गोरखपुर में बाल रोग चिकित्सा संस्थान को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया है। संभावना यह है कि इस माह के अंत तक लगभग 31 तारीख तक बाल रोग चिकित्सा संस्थान जो है वहां चालू हो जाएगा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसका जो है उद्घाटन किया जाए। कतिपय जनपदों में मलेरिया जो है का स्प्रेड की सूचना मिली है, इसका विशेष रूप से संज्ञान लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उर्वरक के वितरण में भी ये कहा है, अपील कराने के लिए कहा है कि हर जनपद में उर्वरक पहुंचाई जाएगी, किसी भी रूप में किसी भी जगह पर उर्वरक को अनावश्यक रूप से जमा करने की जो है छूट नहीं होगी, किसी को भी जो है इस तरह का दुरुपयोग करने की छूट नहीं होगी और इसी एक्ट में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कल रोडवेज के माध्यम से जो बसें संचालित हुई हैं उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 9,69,000 लोगों ने ट्रैवल किया है, 6,800 बसों में लोगों ने ट्रैवल किया है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में कल जो कोविड का अभियान है उसके अंतर्गत काफी मात्रा में एफआईआर दर्ज कर दी गई है
और अब 2,06,000 से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं और 3,32,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लगभग 70,000 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। 70,34,00,000 रुपए वसूल कर लिया गया है। 4,33,000 से अधिक वाहनों को आवश्यक सेवाओं के लिए लगाया गया है। लगभग 840 एफआईआर ईसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है। 2,375 मामले फेक न्यूज के टेकअप किए गए हैं और कंटोनमेंट जोन की जो है व्यवस्था में इजाफा हुआ है। 15,654 कंटेनमेंट जोन में 1200 थानों के अंतर्गत 14,09,000 मकानों में 82,00,000 लोगों को जो है कंटेनमेंट जोन में सीमित करके प्रभावी कार्रवाई वहां पे सफाई की, वहां पे सुरक्षा की, वहां पे सैनिटेशन की जा रही है। मैं इस अवसर पर पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है, लगभग 25,000 से अधिक व्यक्ति होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में है। हर व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है कंट्रोल रूम पर जरूर फोन करके अगर उसको कहीं भी दिक्कत हो तो वो इसकी सूचना दे जिससे उनको अस्पताल में भेजा जा सके। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हर जनपद में अभियान चलाया जा रहा है और हम ये बताना चाहेंगे कि 8 ऐसे जनपद हैं जिन पर विशेष नजर रखी जा रही है। वो है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, झांसी और बलिया और गोरखपुर। इन जनपदों पर विशेष रूप से जो है समीक्षा की जा रही है। यहाँ प्रत्येक दशा में जो भी कोविड का अभियान है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है, डोर टू डोर सर्वे का है, इसके अलावा जो है लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने का है, मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का है, इस पर विशेष रूप से बल देकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार से है। वर्तमान में 18 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर तथा सीतापुर, ये 18 जनपद के 830 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से 477 गांव मरून अथवा जलमग्न हैं। बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। कल के सापेक्ष जो प्रभावित गांव की संख्या है उसमें 63 की कमी आई है तथा जो मरूंड और जलमग्न गांव हैं उसमें 85 की कमी आई है। प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां जैसे कि शारदा नदी पलिया कला में अपने खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर, सरयू नदी अयोध्या में अपने खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर तथा बलिया में अपने खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बहनी सूचित की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल देवीपाटन मंडल में बाढ़ग्रस्त जो हमारे जनपद हैं उनकी समीक्षा की गई थी। वहां पर समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त जनपदों को यह निर्देश दिए हैं कि प्रभावित जनपदों में बंदों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, मरून गांवों में आवागमन हेतु पर्याप्त नावों की व्यवस्था की जाए, राहत किट का वितरण सुचारू रूप से प्रभावित परिवारों को किया जाए तथा लोगों के जो प्रभावित गांव हैं उसमें चिकित्सा दलों का दौरा सुनिश्चित किया जाए। उसी के क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश में राहत कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिसकी स्थिति इस प्रकार से है। प्रदेश में कुल स्थापित बाढ़ शरणालयों की संख्या 373 है और वर्तमान में सिर्फ 3 जनपदों में के 26 शरणालयों में 1299 व्यक्ति निवासित हैं। विगत 24 घंटे में 14,016 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,69,520 प्रभावित परिवारों को राशन किट का वितरण किया जा चुका है। विगत 24 घंटे में प्रभावित परिवारों को 15,351 मीटर तिरपाल का वितरण किया गया है।
अब तक कुल वितरित तिरपाल 2,95,779 मीटर है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, उसी के क्रम में प्रभावित जनपदों तथा गांवों में 703 नावें लगाई गई हैं, 784 बाढ़ चौकियों के माध्यम से लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है तथा विभिन्न विभागों द्वारा के बीच समन्वय स्थापित कर राहत के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 482 पशु शिविर की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 7,04,034 पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है तथा अब तक 4,591 क्विंटल भूसे का वितरण किया गया है। प्रभावित जनपदों तथा गांवों में लोगों के स्वास्थ्य की परीक्षण हेतु 350 मेडिकल मोबाइल टीमें लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न गांवों में दौरे करके इन मेडिकल टीमों द्वारा लोगों का उपचार किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रभावित जनपदों में सर्च एंड रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ तथा पीएसी की 17 टीमें, इस प्रकार कुल 29 टीमें लगाई गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति स्थिर है तथा किसी भी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति परिलक्षित नहीं हो रही है। धन्यवाद।